अकाल मूरत सर्व कला समरथ सिख दे हर एक कार्य विच अगवाई करन वाले सतगुरु सहाई होण वाले सतगुरु आपां सारे ऐसे गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी गोद विच बैठे हां और इत्थे सारे बहन वालियां नूं इह अहसास होना चाहिदा है कि आपां पूरे गुरु दे कोल हां और पूरे गुरु की बख्शिश साढ़े वाल लगातार वरस रही है। आपो अपने मन के भांडे नूं सीधा कर लईए, प्यार सहित सिर चुकाओ गुरु ग्रंथ साहिब के पातशाह के चरणों में। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुखी जीवन दियां दो अवस्थावां ने, उन्हां विच एक शब्द वरत्या जांदा है ज्ञान, दूसरा शब्द है अज्ञान। ते इस जमीन ते अपनी अपनी समझ अनुसार हर एक ने इन्हां दोवां शब्दां दे अर्थ कीते ने। आम तौर पर जदों जिस श्रेणी विच असी तुरने हाँ, भाई साहब ने हुणे कथा कीती, ते जदों असी चार कु अखर जोड़ के बोलने हाँ ते साढ़े नां दे नाल एक शब्द लग जांदा है ज्ञानी, ते जे सानू चार अखर अगे पिछे गलत हो जाण ते कह दिंदे ने अज्ञानी। पर जे गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछिए कहिंदे ठीक है, इह वी कम चंगा ठीक बोलना चाहीदा है, पर ज्ञान अखरां दीआं कंधां विच बंद नहीं है। वह मनुख दी आत्मा दी जिंद है ते उहदे उत्ते मनुख दे अहंकार दा पर्दा पै चुका है। ज्यों ज्यों गुरु की बख्शिश नाल वह पर्दा उठता है ते कदी कबीर काशी विच खलो के उन्हां ज्ञानियां नूं वंगारदा है, उन्हां पंडतां नूं वंगारदा है जेड़े अखरां दे हेर फेर विच पा के मनुखी दिमाग नूं कई टुकड़ियां विच करदे ने। ख्याल रखना, किसी दे शरीर दा कतल एक जुर्म है, अपराध है। कोई मनुख किसी दे शरीर दा कतल करदा है, असी कहने कतल हो गया, रिपोर्ट दिओ, पुलिस आउंदी है, मुकदमा चलदा है, उत्थे धारा लगदी है, तो उन्हूं सज़ा हुंदी, उम्र कैद 20 साल दी, किसी नूं कुछ। सतगुरु कहिंदे ते अपराधी फड़िया गया, ये ते पकड़ विच आ गया जिन्हें बंदे दे शरीर दे टुकड़े कीते ने, इस बंदे नूं कौन फड़ेगा जिन्हें बंदे दे मन दे टुकड़े कर दिते ने, इहनूं कौन फड़ेगा। जिन्हें मनुखी मन दी एक बहुत वड्डी महंगी पूंजी श्रद्धा दा कतल कर दिता है, इहनूं सज़ा कौन देगा। जिन्हें प्रेम का कतल किया है, कतल तो करना सी दुबधा का, कतल है इस घर विच। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो, हजूर कहिंदे जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा। मारना है असी कुछ, साढ़े अंदर कुछ ऐसिया चीज़ा पैदा हो गई ने जिन्हां नूं मारन तो बिना असी जिउंदे नहीं हो सकते। असी जिउंदे ही होना, जिथे आपां बैठे हाँ तुसी आए हो और वक्रे वक्रे गुरमुखां ने यह विचार गोष्ठी हो रही है, विचारां चलदियां ने आपो अपनियां, किते कुछ मिलदा है, कुछ लभदा, कुछ गवाईदा है, नवीं जिंदगी बनदी है।
इत्थे असीं एक चीज़ मारनी है तां कि असीं जिउंदे हो सकीए। ख्याल रखना ये थां जिउंदे होण लई साडे विच एक चीज़ मरी पई है, बस गल इन्नी कु है। दास नूं जिहड़ा विशा दिता गया गुरमुखां वल्लों वह है शब्द गुरु, ते नकली गुरुआं दा पखंड ते डम ए सी। जदों मैनू फोन गया भाई अवतार सिंह दा, मैं उदों दा सोची जाना भी करां कि गुरु बड़ा वड्डा है, मेरे समझ च कोई नहीं आउंदी कहां की। शब्द गुरु कमाल है, शब्द गुरु ते 240 साल की गहरी मुशक्कत तो बाहर सामने लिया गया। एक बंदा उठ के फाइनल किवें करेगा? मैं समझिया कि सब तो वड्डी मूर्खता ना कर दिया भी मैं फाइनल कह दिता शब्द गुरु आ है। शब्द गुरु दे अर्थ ने जिदे जिन्ने मर्जी अर्थ करो तो फिर उन्हें अर्थ रह जान। ध्यान देना गुरु उन्हों कहिंदे गुरु अखबार नहीं। ख्याल रखना असी बड़े भुलेखे विच पए, गुरु अखबार नहीं। पहला ये तो आप स्पष्ट कर लीए गुरु मैटर है कि गुरु गुरु शख्सियत है। दो चीज़ा ने, मैटर का अर्थ लैसन किताब विच लिखा हुआ, प्रोफेसर पढ़ाउंदा असी पढ़ने विद्यार्थी तैयार होंदे ने। पहला एक तो गल समझ लीए अपने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह बारे, एक पासे छतर झुलदा है एक पासे अरदास होंदी है, चौर झुलदा है। जदों लै के जाईदा कहिंदे शहनशाह दा शहनशाह आ रहा है, चार बंदे अगे तुरदे ने कोई कुताही नहीं कर सकता, सिख अपनी जान तक वारन लई तैयार है गुरु ग्रंथ साहिब दे सत्कार वास्ते। पर मैं कोल बह के कहां भी गुरु ग्रंथ साहिब ते एक ज्ञान ही है, पढ़ो ते समझो ते गल खत्म हो गई। कि इहदे वर्गा वड्डा निरादर गुरु ग्रंथ साहिब दा कोई है? बेनती करां गुरु कृपा करदा है, गुरु कदी अखबार नहीं, गुरु कदी रसाला नहीं, गुरु किताब नहीं, गुरु गुरु है। गुरु एक शख्सियत है, गुरु एक होंद है, सिख दी गल सुनदा है ते गल सुन के जे ठीक होवे ते बिल्कुल पूरी करदा है। ये शरदा है, ये प्यार है। ठीक है सतगुरु विच तर्क बड़ा है, मैं बेनती जरूर करांगा सतगुरु कृपा करे साड़ी कौम विद्वाना नू खुले होके खंभ मारन देवे, खुले होके। ये हुण हो रहा थोड़ा थोड़ा, साढ़े गुरमुख जिहड़े कर रहे ने भी तुसी खुले उड्डो, संस्थावां दीयां कंधां विच अपने खंभ ना पछाओ। तुसी वेखो गुरु ग्रंथ साहिब की कहिंदे ने, तुसी उत्थे समझौता नहीं करना जिथे पहला कमरे विच डक के दसिया जांदा है तुसी आ बोलना है, उत्थे नहीं तुसां समझौता करना। तुसी उत्थे बोलना जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जो कुछ कहिंदे। जिद्दण असी इहदे विच कामयाब हो गए सानू किसी देश नू आजाद कराउण दी लोड़ नहीं, सारे देश खालसा पे दा आजाद करा लेगा, लोड़ नहीं पैणी। जदों असी आप ही गुलाम आ जे। एक कवि दी मैं गल लिखी है, सुनी है, वह कहिंदा कलम दा मूँह काला है ते जदों मैं उन्हूं लिखना ना बोलदी कलम दा मूँह जदों अगला हिस्सा काला हुंदा है। वह कहिंदी वेखी तू जदों लिखना तो कागज़ काला हुंदा ठीक लिखी, नहीं तो मैं तेरा मूँह काला कर देना। वह कहिंदी ते जदों कलम दी गल आउंदी है ना साध संगत मैक दे उत्ते आ जिहड़ा काला जिहा लगा है मैनूं याद आ जांदा है, इह वी काले रंग दा जे। तो मैनू ये तो बड़ा डर होंदा कि कलम से कि अपना मूँह काला ना कर दे। कि सतगुरु कृपा करे नौवें पातशाह ने, मैं शब्द गुरु बारे कुछ कहना तो है, टाइम थोड़ा ही हूँ, चलो जिन्ना कु समा लगेगा थोड़ा जहा मेरा गला भी सुकदा तुसी महसूस कर रहे हो गए, पर जिहड़ा तुहाडा तो तरंगा आ रही ना हुण इहनां विचों कोई गल मिल रही है ये चली जाएगा। नौवें पातशाह ने
तमतान साहब तुसी दर्शन किए हो पंजाब ते हरियाणे की हद ते पैंदा उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब ने बड़ी वड्डी प्रचार की मुहिम चलाई सी एक जिदे तो औरंगजेब घबरा गया सी शहादत का कारण यह बनिया सी। मैं एक दो छोटिया जी बेनतियां कर दिया गुरु अर्जन देव जी की शहादत का और कोई कारण नहीं सी। कारण एको सी भी पंजाब का हर एक बंदा गुरु अर्जन देव जी नूं प्यार करन लग पिया सी। उहदा कारण यह सी भी गुरु अर्जन देव जी ने हर एक बंदे दे घर विच पीण वाला पानी पहुँचाया सी। अज साढ़े सजना ने लोगों तो पानी खोया है, बस इन्ना कोई फर्क है, ये फर्क है सिर्फ उन्हें पानी पियाया सी, अज पानी खोया है। गुरु अर्जन देव जी ने खूह लवाए सन पिंडां विच ते नाल नाल दवाइयां दियां दुकानां दवाखाने खोले सन भी जिहड़े बीमार बंदे नूं दवाई मिले। जे कोई बंदा आउंदा सी ना मेरे कोल रुपईए कोई नहीं, तुसीं सुणिया होणा ना साडा गुरु किवें दा सी, आपां किवें दे, माधो हम ऐसे तू ऐसा आपां किधर चले गए। एक सिख आउंदा है गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर साहिब सन भैन जी दे घर बेबे नानकी दे घर सन ते मोदी खाना चलाउंदे सी दुकान। एक ब्राह्मण आया उन्हें कहा महाराज मेरी बेटी का विआह है तो मेरे कोल पल्ले है कख नहीं, तुसी कृपा करो। उत्थे एक सिख रहिंदा सी भाई भगीरथ, भगीरथ पहला देवी का पुजारी सी ते सतगुरां ने कहा भी इहदे पिछे किते तुरिया फिरना रब नूं चेते कर, ये आप बेचारी गुलाम है तेरी इज्जत तेनूं की मुक्ति देगी, जे झुकना ही है किसी चज की चीज अगे तो झुक, एवं जेडे आप ही गुलाम ने उन्हें अगे झुकता फिर। हुणे भाई साहब ने विषय सुनाए ने भी सिख एक नाल जुड़दा। खैर भगीरथ जिहड़ा ना भाई गुरदास जी ने उहदा जिक्र किया, वह सतगुरां दे उस एक अकाल पुरख वाहगुरु के प्यार विच रंगण वास्ते तुर पिया, इत्थे रहन लग पिया थोड़े दिन। ब्राह्मण आया कहिंदा महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरे लड़की जवान है मैं विआह करना, मेरे कोल है कुछ नहीं। ते सतगुरु ने कहा भी जा तू भाई भगीरथ लाहौर विच आ पैसे लै जा ते जो कुछ इहनूं चाहीदा जिन्ना कु जरूरत है लालच ना करी, लोड़ वास्ते इहदा दाज खरीद के लिया। इतिहास विच नानक प्रकाश विच तां लंमियां गल्लां लिखियां भी हुण चूड़ा भी खरीदिया सी उत्थे, हुण अजकल ते चूड़िया ते रखड़ियां दे झगड़े पए फिरदे ने, आपां गुरमत कित्थे फसा दित्ती लिया के। बड़ी संगत मेरे यही कन्न खा के कहिंदे हुण रखड़ी बन्नी है कि मैं कहा तां धर्म नाल इहदा नाते कोई नहीं, समाजक त्यौहार है भाई, इहदा धर्म विच किते नहीं लिखिया होया रखड़ियां रुखड़ियां दी गल, इहदे नाल ना सिक्खी टुटदी ते ना बचदी जे ख्याल रखना, एवें टाइम खराब करना आपां। सिख दे पंज ककार ने, हाँ मैं जरूर कहना सिख नगां ते भरोसा नहीं, जे करदा पंज पंज छे छे मुंदरियां पाईआं कीर्तन करन वालियां पाईआं होर ते छड्डो। पढ़ना जपजी साहब दियां 38 पौड़ियां ने कुछ नहीं सवारिया ते आ समुंदरी ने सवारना, हद हो गई। अज मैं कथा करन लगा सी गुरद्वारा माल्टन ते भाई जसविंदर सिंह होर अनाउंस कीती रस्त बारे माल्टन, कहिंदे भी संगत नूं बेनती है क्योंकि होर कुछ नहीं कोई चढ़ांदा, सारे मां की दाल चढ़ाउंदे ने, हुण उहनां नूं की पता मां की दाल कौन कहिंदा, वो पंडित जी कहिंदे ने उत्थों, वह कहिंदे गुरद्वारे मां की दाल चढ़ाओ। तुसीं हैरान होवोगे गुरद्वारा दुख निवारण साहब दाल दे विच किल पा के लोग चढ़ाउंदे सी, किल मैं कथा कर रहा सी मैनूं उहनां विखाए, मैं हैरान हो गया भी किल पाए सूइयां विच। ते मैं फिर बेनती की भी वेखो गुरु ग्रंथ साहब दे अगे किल चढ़ाउणे जे ते किल चुभणे ने तुहानूं, होर कोई तरीका नहीं। ब्राह्मण दसदा उहनूं कहो तुहाडा उपा करे गुरु ग्रंथ साहब कोल क्यों आउंदे हो, करे हल जिंदगी दा उहनां तों अपना होया, एडा वड्डा देश गुलाम करा दित्ता इस ब्राह्मण ने, यह हो जाएगा जी ये करो ये हो जाएगा। सतगुरु ने तलवार दी कहिंदे अंदर नाम जपो
बाहर तलवार की वरतों करो, सीधे राह ते तुरो, अकाल पुरख ते भरोसा करो। सतगुरु कृपा करन मनुखी जीवन की शक्ति नू अज तो पहला बड़ी वारी मैं पहला क्या सी वंडिया ते खलारिया गया, हुण फिर वो काम असी कर रहे हैं। साढ़े अपने अपने स्वार्थ जी सच्चाई है। मेरा स्वार्थ है भी मैं टैलीविजन ते किवें रहना, अखबार ते किवें आना, ते गुरुद्वारियां विच लोक मैनू सद्दण किवें। मेरा मनोरथ गुरु ग्रंथ साहिब का सच कहना नहीं जे, अरदास करो भी हो जाए ठीक होवे काम, तुसीं अरदास करो भी गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ लिखिया। मैं ये आपां सोच लईए भी किसी बंदे दे प्रभाव थले आपां उहदे अर्थ ना तब्दील कर दईए। कोई किसी झोली विच बैठा, कोई किसी की झोली विच बैठा, बाद विच गुस्सा करने आपां। गुरु ग्रंथ साहिब की गोद में बह के क्यों नहीं बोलते? कोई किसी की गोद में, मैं बेनती करनी चाहना बिना गोद तो बोलिया तो इस जमीन पर ज्ञानी संत सिंह मस्कीन बोलिया, किसी बंदे की गोद में नहीं बैठे जो मर्जी। एडा वड्डा बख्शिश, एडी वड्डी दात, असी बंदियां दियां गोदां तो बिना कोई किसी की गोद में बड़िया फिरदा, गुरु की गल किवें करांगे? मैं बेनती कर रहा सी, खैर विशा, सतगुरु ने भाई भगीरथ नूं पैसे दिते सुल्तानपुर तो भी जाओ इन्हां नूं, ये शब्द गुरु के सिद्धांत ही ने जिहड़े मैं कह रहा सेवा, लोकां दा लोड़वंदां दी सेवा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह आपे लोक सिख बनणगे, आपे तुरनगे इस मार्ग के उत्ते। उत्थे गए तो एक शाहूकार सी, उहदा नाम सी मनसुख, उहदे घर गया भगीरथ। उहनूं कहा भी इस तरह एक लड़की दे विआह वास्ते कुछ चीज़ां खरीदणियां, उहने कहा भी एक दिन तैनूं रहना पऊ तां उह समान बणेगा जो भी है सी उहदे विच। जदों रात रहे ना, सवेरे अमृत वेले भाई भगीरथ जी उठ के बैठे, उठ के किवें मनसुख सिख बनिया, ये ने भी 12 बजे तक सुते रहे सन, नाम उचारिया उन्होंने, बोलो राम करे निस्तारा, नाम उचारिया, नाम जपया, आवाज आई ना विचों। आ हुणे भाई गुरविंदर सिंह होरां ने कहा है गुरु रामदास किहदी धूड़ मंगदे ने, जां नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अबरै नाम जपावे, लिखिया ना मर्यादा गुरु घर दी कि नहीं नाम जपना, ते जे नू तोड़िया जाए मर्यादा नहीं तोड़दे आपां। गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई अंग दिखा दिओ जिथे लिखिया होवे नाम नहीं जपना। हाँ, नाम जपना एक्सरसाइज ना होवे, नाम जपना प्रेम नाल, ध्यान नाल, टिका दे नाल, किसे उस होंद नूं मन के जपना जिदा नाम जप रहा, ना कि वो एक कल्ले अखर की दोहराई होवे। ठीक है ना, नाम है की है, नाम गुरु का सुभा है। आपां वैसे भुलेखियां विच पै गया, नेड़े होके तुरीए दुबधा दूर करिए, कौम वैसी छोटी आपां होर खिलार दित्ती कल्ली कल्ली। नाम जे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुभा, 1430 अंगा का सुभा, नाम जे बीज, ते पांच प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी तो अरदास करके लेंदे ने जो अमृत छकाउंदे ने, वो कहिंदे ने महाराज दिओ असी सिखां नूं देना अगे। शब्द गुरु की है, मैं थोड़ा जिहा इस विषय ते कह दिया, हुण थोड़ा जिहा तुसीं कागर होना। शब्द गुरु की है, वैसे मैं पहला कह देना चाहना शब्द की व्याख्या आदमी नहीं कर सकता, शब्द बारे असी जाने नहीं, शब्द है कि ये शब्द इन्नी उचाई है मनुखी बुद्धि की पकड़ विच नहीं आ सकता, जिथे शब्द का एहसास होंदा उत्थे बुद्धि बंद हो जाती है, अगली दुनिया चलती है। शब्द उहनूं कहिंदे। मैं फिर किसी वेले, क्योंकि वह चीज़ा मैं नहीं कहनिया चाहुंदी जिहड़ियां दुबधा पैदा कर दें, पता ना लगे। पांच प्यारे सतगुरु की हजूरी दे विच अरदास करते हैं,
अरदास के महाराज असी भेखी सिख हाँ, असी कोई बहुते कमाई वाले वड्डे सिख नहीं, कम करने हैं किरत जिवें दे हैं तुहानू पता है। आप आ संगत आई है कहिंदे भी तुसी सिख नाम दिओ। हुण इत्थे एक बेनती करा, थोड़े जे न्यूट्रल होके सुनना। देहधारी गुरु टम ओ है जिहड़ा गुरु साहब की विचारधारा नूं पलटांदा है, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मानन तों इनकारी करदा है। पर दस पातशाहां दे वक्त भी दो चीज़ां कट्ठियां चलियां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी दे वेले भी गुरु सन, उदों तों लै रहे शब्द उदों तों गुरु है गुरु नानक देव जी। जदों असीं इह गल कहिंदे आ ना बई गुरुआं दे वक्त होर मर्यादा सी ते हुण होर है, अनजाण पुणे विच असी एक बड़ी वड्डी गलती कर लैने। नहीं, इस तरह नहीं होएगा। फिर सिक्खी पूर्ण किवें चलेगी जिहड़ी गुरु नानक देव जी दे वेले होर सी, गुरु गोबिंद सिंह जी दे वक्त होर सी, हुण होर है, किवें चलेगा? नहीं। उदों भी शब्द गुरु सी, पर शब्द नूं सिख तक लिजाण वास्ते विच इक देह आउंदी सी। देह गुरु दी है सिक्खी विच भी, ख्याल रखना। सारी गल सुन लैना ध्यान नाल। उदों भी शब्द गुरु सी, शायद तुसीं सुनिया होवेगा गुरु नानक देव जी ने फेरे अग दे दुआले नहीं सन लए, बाणी लिख के उहदे दुआले फेरे लए सन। प्रेम स्मारक ग्रंथ प्रिंसीपल सतबीर सिंह होर ने इहदा हवाला दिता है, जिथे बटाले विच शादी हुई सी। उदों भी शब्द गुरु सी, उतों नाम की दात बाबा पहिंदा सचखंड नवनिद नाम गरीबी पाई, भाई गुरदास जी ने लिखिया। फिर उस नाम नूं बाणी नूं सिख तक लिजाण वास्ते विच एक देह आउंदी सी, उह देह सी गुरु नानक देव जी दी देह विच आई। इसे तरह जिद्दन गुरु नानक देव जी ने शरीर त्यागिया, उन्हां ने जिहड़ी पोथी सी ना जिन्नी बाणी भगतां तों लई ते आप उचारी, जदों गुरता गद्दी दित्ती जिहड़ी आपां कहिंदे आ जोत दित्ती, उह बाणी दित्ती गुरु अंगद देव जी नूं, बाणी दित्ती ते गद्दी दे दित्ती। कुछ कहिंदे भी कमर कसा भी दित्ता सी, कमर कसा पंथ दी निशानी सी ते पोथी ग्रंथ दी निशानी सी, शुरू तों चलिया पंथ ते ग्रंथ। इस तरह दस पातशाहियां तक बाणी गुरु रही, गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु रहे। और इहदा हवाला मिलता है कि जिद्दन पहला प्रकाश होया सी हरिमंदर साहिब विच सन 1604 नूं, ते गुरु अर्जन देव जी दी शहादत होई है सन 1606, दो साल बाद कह लो, मोटे तौर ते कह रहे। ये जिहड़े दो साल सन गुरु के सिखो, ये दो साल गुरु अर्जन देव जी संगत विच तख्त ला के नहीं सन बैठे, संगत सत्कार वजों चादर विछाद है गल वक्री, कोई वड्डी गल नहीं सी। ओ तां सी भी ओ बाणी पढ़दे सी, हुण इत्थे मैं बैठा जां भाई साहब बैठे सी तां ही बैठे भी कथा करदे, वैसे किन्ने बैठ देना। दो साल गुरु अर्जन देव जी अकाल तख्त साहिब दे विच कोठा साहिब जिथे अज सुख आसन हुंदा है, उत्थे गुरु अर्जन देव जी परत के दो साल मंजे ते नहीं सुते, पलंग दे थले सौंदे रहे नाल। दो साल बाद शहादत हो गई। ये घटना सिद्ध कर दी भी गुरु ग्रंथ साहिब उदों गुरु सन, ख्याल रखना। पर विच देह नाल चली, ध्यान देना जिहड़ी गल मैं कहनी चाहुंदा, आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच। छेवें पातशाह दा टाइम आया, कहिंदे इक सिख जपजी साहिब दा पाठ सुनाओ, ते पाठ तुहानूं कंठ होना चाहीदा, ते तीन शर्तां सन, ध्यान तुहाडा पाठ विच रहना चाहीदा, कंठ होना चाहीदा, उचारण शुद्ध होना चाहीदा। हुण उचारण उदों किहड़ा सी, इह कौम बची सी इस गल तों, ठीक सी उचारण।
वह ठीक से उदो क्योंकि वह टाइम खराब नहीं सी करते अपने वाग। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जपजी साहब भाई गोपाला जी ने सुनाया तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने नाल बिठा लिया इधर बई उच्चे थान ते यह मर्यादा से जो बाणी पढ़े उन्होंने उच्चे थान ते बिठाना पैंदा। जदों जपजी साहब खत्म होने लगा ना ध्यान देना एकाग्रता करनी जदों जपजी साहब खत्म होने लगा तो गुरु हरगोबिंद साहब जी उठन लगे तो भाई गोपाले नूं एक ख्याल आ गया भी गुरु साहब तो तुर चले ने तो घोड़ा ही दान दे जांदे घोड़ा दान दे जांदे सतगुरु फिर बैठ गए। तो जो समाप्ति हुई जिन्हें नाम त्याया गैम सकत काल नानक ते मुकुजले कहती चुट्टी नाल गुरु हरगोबिंद साहब ने उठ के गल ना ला लिया कहिंदे सिखा तेरी कमाई धन है तेनू जपजी साहब पूरा आउंदा ते एकागर चित हो के तू कीता है। कहन लगा महाराज एकागर चित हो के नहीं कर सकिया पर मैनू ये दसो तुसी उठ के चले सी। कहन लगे नहीं सिखा मैं उठ के नहीं सी चला जदों तू अखीरली पौड़ी ते आया ना जत पहारा धीरज सुने आर वाली मैं तेरे वल वेखिया अंदरों ये हुण अंतर जामता है ये फिक्र ना करना अंतर जामता हुंदी है परवाह ना करिया करो। गुरु साहब ने अंदरों वेख्या सिख वल ये तो डरन की लोड़ नहीं विज्ञान दस देगा और 50 साल में भी अंतर जामता की हुंदी है क्योंकि वह नारको टेस्ट के विकास द्वारा मनुखी मन को पढ़ लेगा पता लग जाएगा भी धर्म नहीं बंदे के दिमाग की काट है। उन्हें कहा भी सतगुरु तुसी फिर चले चले सी। कहन लगे मैं चला नहीं सी जदों तू 38 पौड़ियां शुद्ध पढ़ लिया ना मेरे मन में ख्याल आया भी सिख ने अपना काम पूरा करता। जपजी साहब शुद्ध पढ़ दिता उचारने का शुद्ध ध्यान विच लगा रहा दया की इनू इनाम की दया मैं बड़ा कुछ सोचा पर अखीर नूं मेरे मन विचों आवाज आई गुरु हरगोबिंद साहब कहिंदे ने सिखा मेरे मन विचों आवाज आई कुछ नहीं ऐसा इहदे जपजी साहब दे बराबर दे दिया अज ते इक्को ही चीज़ है बाबे नानक दी गद्दी है सिख नूं दे दिया आ ही चीज़ रह गई तां उठन लगा सी उधरों तेरे विच ख्याल आ गया घोड़े दा घोड़े दा फिर मैं बैठ गया। गल इन्नी कु है सतगुरु ने उस वक्त तो ही शब्द गुरु सी ते दस देहां सिख नूं शब्द देंदियां रहियां नाम देंदियां रहियां ते क्या भी इस नाम की तू कमाई करनी है। जदों दसवें पातशाह दा आया वक्त इंज लगदा भी गुरु गोबिंद सिंह जी भी क्योंकि तुसी जानदे हो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गुरता गद्दी मिली 1675 विच नवें पातशाह की शहादत हुई जदों ते अमृत बनया 1699 विच इहदा मतलब 24 साल अमृत नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह जी दे गद्दी ते बैठिया ते प्रतक साफ है भी वह 24 साल जिहड़े ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह भी चरण पौल देंदे रहे क्योंकि अमृत ते 99 विच बनया होर ते कोई तरीका नहीं सी। फिर अमृत तैयार होया तो सतगुरु ने चरण पौल की मर्यादा जिहड़ी खत्म कर दी कहिंदे अज तो बाद कोई बंदा गुरु नहीं है हुण पंथ गुरु है। अज तो बाद आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच चलेगा जिहड़ा काम 10 पातशाहां ने किया है हुण 5 प्यारे करनगे ते मैं बेनती करा अज तक 5 प्यारे कर रहे ने जिहड़ा काम 10 पातशाहां दी बॉडी ने किया है शरीर ने किया है अज भी गुरु उही है जिहड़ा गुरु नानक देव जी दे टाइम से अज भी ये दो चीज़ों का सुमेल है सिखी तो मैं नाम की गल कर रहा से मैं थोड़ी जी होर कह दिया 2-4 मिनटा समाप्ति करांगा। नाम की है नाम बारे साढ़े विच बड़े भुलेखे ने नाम की थोड़ा जा इमानदारी नाल सुन लीए नाम है कि असी भटके फिरने दोवें पक्षों
नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुभा, बाणी का सुभा है ना, एक बाणी की है, सुभा है बाणी, बाणी का सुभा नाम दे विच है। ते पांच प्यारे जदों सिख नूं नाम की दात देंदे ना भी कहो वाहगुरु, तो सिख बोलता वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह, नाम दृढ़ हुंदा। फिर उस सिख नूं कहिंदे भी गुरसिखा तू इस नाम नूं सो भलके उठ हर नाम ते आवै, इहनूं तू जपना है, प्यार नाल जपना, मशीन नहीं बनाउणी इहदी, प्यार नाल जपना, जपेगा तो सिख होवेगा। ख्याल रखना तू सिख तां है क्योंकि सिख दी ते गुरु दी, गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब दी शुरुआत जप तो होंदी, पहली बाणी जप है, तो सिख दे अमृत वेले दी शुरुआत जप तो होंदी है। इहनूं तू जपना है ते इहनूं अंदर टिकाउणा है हिरदे विच, फिर सारा दिन अंदर तू ध्यान रखना है, अंदर टिकाई रखना है, ते नाल नाल तू बाणी पढ़नी है, तो बाणी का उपदेश सुन के समझ के वेखना है भी मैं उदा कर रहा कि नहीं जिवें मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने, सच ते तुरिया कि नहीं। ये सरल है बिल्कुल सिखी। फिर की होवेगा, वो शब्द सुभा है गुरु का, नाम जिहड़ा वो शब्द अंदर जाके साडी जिंदगी विच घुल जाएगा, जिवें एक दवाई जाती है, फिर वह साढ़े विचों रोग कटेगा, साड़ी हौमे का, साढ़े हंकार का, साड़ी मैं मेरी का रोग कटेगा। तो जदों असी मर जाएंगे ना विचों, सीधा जा शब्द मैं कह रहा, असी मरांगे, असी अजे मरे नहीं। सिखी चार तरह की है, शरीर धारा की सिखी, मानसिक धारा की सिखी, हिरदय धारा की सिखी, तो आत्म धारा की सिखी, चार तरह की है। असी इत्थे जाने आ जिहड़ा आ सिखी नूं असी रिकॉर्ड कर लिया, इत्थे सवाल की है जी, जवाब की है जी, सवाल की है जी, जवाब की आ सिखी है। असी दिमाग दे तल ते जी रहे हां, असी सोचिया चीज़ां याद करो, सिखी याद करो ते तुसी सिख बन गए। याद रखो दिमाग सिर्फ दरवाजा सिखी दा, सिखी दा कर हिरदा है, गुर के चरण हिरदय ते आए, अंतर आत्मा समाले। मैं तुहानू सच कह देना चाहना, मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे भी अर्थ कर दिया, मैं सिख कोई नहीं, जे झूठ है बिल्कुल, मैं नहीं सिख, सिख मैं उदन बनना जिदन बाणी मेरे विच घुल गई, मेरे हिरदे तक चली गई, भुलेखे विच ना पैना। सानू कोई बहुते ज्ञानवान ना क्या करो, एवं ये गल ही सिर्फ मैं कहना, जे टेप रिकॉर्ड नूं बाणी याद होगी मैनू होगी, फर्क की पै गया, दोवें ला दिओ इकट्ठे करके, जिदन बाणी अंदर ही नहीं गई, गले तो थले गई ही नहीं मेरे जीवन में, किवें मैं सिख हो सकना, लोगों नूं धोखा क्यों देना है, जदों मैं आप तोता तो बाकी तोते ही पैदा करने ने, होर की करांगा, उन्हां नूं भी सिखा देंगा, उन्हां नूं भी पढ़ा देंगे, होर की करना है। सिखी सी सिखां कोल, भाई मीहे मैं तमदान साहब की गल कर रहा सां, गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्थे गए ना, जदों उत्थे एक सिख, तुहानूं पता जिहड़े उस इलाके विच गए हो, वह थोड़ा जिहा रेगिस्तान राजस्थान नाल पैंदा है, उत्थे धूड़ बड़ी उड़दी, दवान सजना हुंदा सी, ते भाई मीहे ने सारी रात घड़ा चुक के पानी तरौकते रहना उत्थे। एक दिन गुरु अर्जन देव जी सवेरे गए, कहिंदे आकाश विच बदल कोई नहीं दिसदा, ते इत्थे मीह पिया होया। एक सिख आया, कहिंदे महाराज मीह नहीं पिया, एक सिख सारी रात लगा रहिंदा घड़ा लै के पानी तरौकदा, अज ते हुण पानी तरौकण नूं वी आपां कहिंदे आ वी गलत गल है, पानी तरौकदा है क्यों, क्योंकि मेरे गुरु ने इत्थों लंघना है, फुल छिड़कदा है, सुगंधी लांदा है, जिहदे नाल प्यार है ना, तुसीं वेखो साडे घर बरात आउणी होवे ना की करने आ, उत्थे गेट लाईदा है, फुल्लां दीआं लाइनां लाईदीआं ने, फुल लमकदे ने, सेंट छिड़कदा बंदा, पानी छिड़कदा क्यों, बरात आउणी है,
जे बरात आनी है तो पानी छिड़क लाँगे, जे गुरु ग्रंथ साहब आना कहते नहीं फिर नहीं पानी, कर्मकांड हो जाना। जे पानी बड़ा उन्हें छिड़किया तो गुरु तेग बहादुर साहब ने पूछा, कहिंदे एक सिख कहिंदे बुला के लियाओ। सतगुरु ने बड़े खुश होए क्योंकि सिखी दे विच ना सेवा का बहुत वड्डा मुल है, जिहड़ी हत्थां दी सेवा है। ख्याल रखो आपां संगत नूं खुश करिए, पानी जल छकाइए जां कोई भी सेवा है। सतगुरु कहिंदे भी सिखा तू तो मीह पवा दिता है, उहदा नां रख दिता महाराज ने भाई मीहां। ते कोल सी एक गुरु साहब दे कोल बड़े घोड़े हाथी हुंदे सन, कहिंदे भी लियाओ एक बल्द। उदों बल्द भी जिहड़ा एक सवारी वांगू मन्निया जांदा सी, जिवें सवारी करी दी ना अजकल इस तरह बल्दां ते सवारी करदे सी लोक। कहिंदे एक बल्द लियाओ, बल्द लियांदा कहिंदे लै फड़ भाई मीह नूं दित्ता। एक सिख नूं कहिंदे भी जा एक निशान लिया, उदों निशान साहब हुंदा सी अगे अगे, जिवें हुण निशान साहब गुरु साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी नूं लै के जाने हन, अगे अगे निशान हुंदा, सिखी दा निशान है उह अगे अगे लै के उह निशान लिया। कहिंदे भी इहनूं दिओ, इक नगारा लिया, नगारा छोटा जिहा, तीन चीज़ां दित्तियां। कहिण लगे मीहां जा आ बल्द लै के जा, उत्ते नगारा रख लै ते मोढ़े ते निशान रख लै। पुछया महाराज की, कहिंदे यूपी चला जा, उत्थे तू सिखी दा प्रचार करना। वह कहिंदा महाराज मैनू की आउंदा सिखी दा प्रचार, वह चार गल्लां कर आउंदियां हुण तां ही करिए ना। ते नौवें पातशाह ने एक बचन कहा सी, मीहां ये काम तेरा नहीं, ये काम मेरा है, तू तो मेरा विजंतर है। सिख है ही वाजा, आ पिछे वाजे पए ने ना, इन्हें बेचारे ना नहीं करनी। सवेरे रागी सिंह ने बसंत पढ़नी है तो बसंत विच वज पैणगे, जे मलार पढ़ना है तो मलार विच, जे गौड़ी पढ़नी गौड़ी विच। सिख है कि गुरु जिवें वजाउंदा वजदा ही तुरिया जांदा है। आपां कित्थे वजने आ, असीं तो अपना अपना ज्ञान दी पंड चुकी सिर ते, कित्थे तैयार हाँ गुरु ग्रंथ साहिब दे ज्ञान नूं मन्नण लई। सतगुरु ने कहा मीहां तू नहीं बोलेगा। आ दो गल्लां रखी, एक तो निशान रखी, निशान का मतलब है जिहड़ी गल मैं कही ये गल बदली ना। एक नगारा बजाई, गुरु की गल नूं बदलन की कोशिश ना करी। ख्याल रखी कुछ भी हो जाए, तेनू रोटी मिले ना मिले, तेनू कोई सत्कार मिले ना मिले, तू गुरु की गल नूं तब्दील नहीं करना। जो मैं कहा उन्हूं कह ही देना है, फिर अगला काम मेरा, तू वेखी सुनेगा किहड़ा ना तेनू। जा जिवें तू मीह पाना है, जिवें तू पानी त्रौंकना है ना, मिट्टी बह जाती है जदों रसना तो चार सीधे पुठे शब्द कह देंगा, किहड़ा माई दा लाल उठ के तुर जाए, मीह पै जाएगा लोगों के मना ते। ये गुरु का प्यार है, गुरु की बख्शिश। साध संगत जी सिखी बख्शिश है। सवेरे की पढ़ते हो अरदास, सिखा नू सिखी दान, दान है ना सिखी, दान करदा गुरु सिखी नू। आपां ते आप ही कहने मैं कमाउणी सिखी, ठीक है सिख ने मेहनत करनी। मैं नहीं कह रहा भी सिख वेलड़ है, नहीं सिख वेलड़ नहीं। गुरु नानक देव पातशाह जी ने कल्या भाई भगीरथ नू उत्थे पहुँच गए लाहौर, ते रात रहे। एक उत्थे व्यापारी सी मनसुख, उहदे घर गए रात सुते, सवेरे उठे चौंकड़ा मारिया, सिमरन करदे ने बह के भाई भगीरथ जी। गुरु नानक देव जी ने सिखाया सी वी किवें सिमरन करीदा है, नाम जपना है, वाहिगुरु नू प्यार करना है, बाणी पढ़नी है, क्योंकि ये रोज़ करना पैंदा है। ख्याल रख, क्योंकि साध संगत जी जिवें साडा शरीर बनया ना पंज तत्तां तों बनया, तो आपां रोटी जिहड़ी खाने उहदे विच पंज तत्त ही हुंदे ने, उहदे विच मिट्टी भी है रोटी दे, पानी आपां पी लैने आ, अग उहदे विच कणक विच हुंदी है। तुसीं वेख्या होणा जे साडे शरीर विचों एक तत्त घट जाए आपां बीमार हो जाने, डाक्टर कोल जाणा पैंदा मेरा पानी घट गया जां मेरी तापमान घट गया, दवाई विटामिनस लैने पैंदे। शरीर पंज तत्तां नाल चलदा है,
ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਇਆ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਚੇਤਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੂਣ ਵਰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਈਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਐ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਲੂਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਲੂਣ ਬਹੁਤਾ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੌੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਭੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੇਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਹਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਸੂਫੀ ਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੱਖਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੇਖੀ, 8-8 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਵੈਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਗੱਲ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਦਮੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ
ਇੱਥੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਲਈਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੱਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਪੱਗ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ ਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਲਾ ਲਿਆ 2-4 ਬੰਦੇ ਚੌਰ ਵਾਲੇ ਲਾ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਜਨ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਦਾਤੂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇਕੱਲਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਪਰ ਕਰੀਏ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀਏ ਸਿੱਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਪਾਠ ਕਰੋ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਤਮਾ ਮਨੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਭੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ